बायोलॉजी 10+1, इसके टोटल 5 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। इनमें से चैप्टर नंबर 5, बुक का चैप्टर नंबर 18, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम टोटल 6 पार्ट्स पढ़ेंगे। नंबर 1 इज न्यूरल सिस्टम, नंबर 2 ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, नंबर 3 न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, नंबर 4 सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, नंबर 5 रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, नंबर 6 सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। अब नंबर 1 न्यूरल सिस्टम, इसका कोई पार्ट नहीं है, सब पार्ट। नंबर 2 ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इसके 2 सब पार्ट्स हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। नंबर 3 न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, इसके 2 पार्ट्स हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और नंबर 2 पर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। नंबर 4 सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। नंबर 5 रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, इसका कोई पार्ट नहीं है आगे। नंबर 6 सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं, एक है आई, जिसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ एन आई और मैकेनिज्म ऑफ विजन, और जो दूसरा पार्ट है 6 का वो है द ईयर, इसका एक पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ये चैप्टर 18 है।